असेंबली में चला जाता है। यहाँ से जाने के बाद हमारी जो एयर होती है वो एयर टैंक में जाती है, एयर रिसीवर में, यानी उसके अंदर स्ट्रोक होती है हमारी एयर। जैसे मान लीजिए अपना ये दो कंप्रेसर इसलिए लगे होते हैं अपने, ताकि मान लो ये इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया या ये हीट हो गया, तो हम उस कंप्रेसर को यूज कर सकते हैं, यानी अपना जो काम है वो चालू रहेगा, ऑक्सीजन चलती रहेगी अपने। और एक बात का भी हमको ध्यान रखना, जैसे ये चल रहा है तो उसका वाल्व हमको बंद रखना पड़ेगा, अगर अपने वो चला रहे तो इसका वाल्व बंद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये अपना जो एयर रिसीवर है इसके अंदर अपनी एयर जो है 8x2 का स्ट्रोक हो जाते हैं, स्ट्रोक होने के बाद ये फिल्टर अपना जैसे मॉइस्चर वगैरह जो भी होता है इसका फिल्टर से निकल जाता है। इससे निकलने के बाद हमारे जो ड्रायर में ड्रायर का काम क्या है, यानी एयर को सुखाना, किस चीज को सुखाना, ड्रायर मॉइस्चर वगैरह को बाहर निकाल देते हैं पानी के रूप में।